आज की हमारी चिंकीज बाइट की रेसिपी है सोया चंक्स पुलाव। मुझे लगता है ये मेरे जिम लवर्स जितने भी हैं उनको बहुत पसंद आने वाली है, और अगर आप डाइट प्लान कर रहे हैं तो ये वाली रेसिपी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए, तो मैंने एक बॉल सोया चंक्स लेकर उसे हॉट वाटर में 10 से 5 मिनट के लिए सोक होने के लिए रख दिया है। अब हम यहाँ मैरिनेट तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी दही ली है, इसमें एक चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला, दो चुटकी काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच मैंने यहाँ लाल मिर्च पाउडर डाला है और थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड किया है। फ्रेंड्स, जब भी हम सोया चंक्स को ऐसे मैरिनेटेड कर पुलाव बनाते हैं तो वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। चलिए, अब मैंने इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक भी ऐड किया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सोया चंक्स बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम से हो गए हैं। अब इन्हें हम हाथों से अच्छे से प्रेस कर इसका सारा पानी जो है वो ड्रेन कर लेंगे, और अब हम इसे मैरिनेट में ऐड करेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी हमारी दही थी वो ये सोया चंक्स आसानी से सोख सके। अब मैं इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेती। चलिए, पुलाव के लिए मैंने यहाँ पर दो कटोरी बासमती राइस लेकर इन्हें वॉश कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ कुकर में एक बड़ा चम्मच घी डाला है और एक बड़ा चम्मच मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। दोनों को मिक्स कर अब हम इसमें जीरा तड़काएंगे एक चम्मच, और इसमें अब मैं कुछ खड़े मसाले ऐड करूंगी, जैसे एक मैंने यहाँ तेजपान लिया है, एक फूल, दो लौंग, और अब मैं इसमें कटे हुए प्याज, कटी हुई हरी मिर्च डालकर थोड़ा सा इसे सॉटे होने दूंगी। यहाँ मैंने एक बड़ा प्याज, 3 से 4 हरी मिर्च, एक शिमला मिर्च, थोड़ी सी पत्ता गोभी, ये पहले ही काट कर रख ली थी। आप चाहें तो इसमें और भी आपके पास फ्रिज में जो भी वेजिटेबल अवेलेबल हो आप ऐड कर सकते हैं, तभी तो ये बनेगी हेल्दी डाइट। अब बची हुई शिमला मिर्च और पत्ता गोभी भी मैंने इसमें ऐड की है। अब हम हमारे सोया चंक्स भी इसमें ऐड कर देंगे सारे। अब इन सोया चंक्स को 1 मिनट के लिए इन वेजिटेबल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारे गरम मसाले और खड़े मसाले थे उनका टेक्सचर वेजिटेबल में अच्छे से मिक्स हो जाए। चलिए, अब इसमें मैंने ये धुले हुए चावल ऐड कर दिए हैं, और फ्रेंड्स, जिस कटोरी से हमने चावल लिया था उसी कटोरी से अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे पुलाव खिले हुए बने। 2 कटोरी चावल के साथ मैंने यहाँ पर 4 कटोरी पानी ऐड कर दिया है, लेकिन कटोरी को मैंने पूरा नहीं भरा, हल्का सा खाली है। ये हम यहाँ पुलाव बना रहे हैं, खिचड़ी नहीं। अब ऊपर से इसमें थोड़े थोड़े से मसाले और ऐड करूंगी, जैसे थोड़ी सी हल्दी, स्वाद अनुसार नमक। हमने मैरिनेट में भी ये सारे मसाले यूज किए थे। तो चलिए, थोड़ा सा मैंने यहाँ आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच मैंने यहाँ देसी घी डालकर इसे ढक्कन लगाकर 1 सीटी ले लिया है। तो चलिए, ये तैयार है हमारे हाई प्रोटीन सोया चंक्स पुलाव। ये बहुत ही खिले हुए बने हैं और बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। तो चलिए सारे जिम लवर, आप भी इस हाई प्रोटीन डाइट को जरूर ट्राई कीजिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आने वाली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।